हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सूजी से बनने वाला नाश्ता, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही आसान तरीके से कम मसालों में, कम सामान में आप इसे बना सकते हैं। इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक बाउल में एक कप सूजी ले रही हूँ। एक कप सूजी के साथ एक कप दही लेंगे। इसका रेशियो है 1:1। अगर आप 2 कप सूजी तो 2 कप दही लें। इसमें मैं आधी चम्मच नमक डालूंगी। इसे मैं अच्छे से मिला लूंगी। मिलाने के बाद मैं इसके अंदर आधा कप पानी डालूंगी। इसमें भी 1 कप पानी डलता है। अभी मैं आधा कप डालूंगी और बाद में जब सूजी फूल जाएगी उसके बाद मैं आधा कप पानी डालूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जब तक हमारी सूजी फूल जाएगी। 30 मिनट बाद आप देखेंगे जो हमारी सूजी है वो फूल गई है, तो मैं इसके अंदर आधा कप पानी मिलाऊंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैटर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ना ही मोटा और ना ही पतला। तो अब मैं इसके अंदर खाने वाला सोडा मिलाऊंगी, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ही मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं। और इसे मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब एक तवा लेंगे, उसके ऊपर मैं बटर डालूंगी, साथ में थोड़ा सा तेल भी डालेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें मैं आधी छोटी चम्मच जीरा डालूंगी। जीरा डालने के बाद 1 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसे भी अच्छे से पका लेंगे। फिर उसके बाद 1 कटी हुई प्याज डालेंगे, उसे भी अच्छे से 1 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम इसके अंदर मसाले मिलाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं नमक डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आधी चम्मच से भी कम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच से भी कम धनिया पाउडर डाल के मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके और इसे कवर करके हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारी जो टमाटर प्याज हैं वो अच्छे से मैशी ना हो जाए। अब आप देखेंगे जो टमाटर प्याज हैं वो अच्छे से पक गए हैं। इसे मैं की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर लूँगी और इसे मैं 3 हिस्से में डिवाइड कर लूँगी। 3 हिस्से में इसे मैं बांटने के बाद इसे मैं ऐसे चपटा करके फैला दूंगी। अब इसके ऊपर जो हमने सूजी का बैटर बनाया था वो डाल देंगे। इस तरीके से आप सूजी का जो बैटर है मसाले के ऊपर डाल के फैला दें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बैटर को अच्छे से फैलाने के बाद मैं तवे पर थोड़ा सा पानी डालूंगी और पानी डालने के बाद मैं इसे कवर करके पकने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट बाद आप देखेंगे जो हमारा सूजी है वो अच्छे से ऊपर से पक गया है, तो अब हम इसे पलट देंगे। पानी की छींटे हम इसलिए डालते हैं ताकि भाप बने और भाप की मदद से जो हमारी सूजी है वो पक जाएगी। तो देखिए जो हमारा सूजी से बनने वाला नाश्ता है वो बिल्कुल तैयार है। मैं इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप भी इसे बनाएं, मुझे पता है आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही कम टाइम में ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। आप इसे सुबह बनाकर आप नाश्ते में खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें।